ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि जिस तरह से मुमरा कौसा में स्कूलों की फीस माफी को लेकर एनसीपी के तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के तरफ से जो है फीस माफी करने के लिए स्कूलों को अपना एजेंडा कमेटी ने दिया था। और अब हम जो कलवा मुमरा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं शमीम खान, उनसे जानना चाहेंगे कि कितने स्कूल हैं मुमरा कौसा के जिन लोगों ने 3 महीने की फीस माफ की है, उन स्कूलों के क्या क्या नाम है, और जो स्कूलों ने फीस 3 महीने की माफ की है उन स्कूलों के नाम हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे और हमारे स्क्रीन पर भी उन स्कूलों के नाम चलेंगे कि कौन कौन से वो स्कूल हैं जिन्होंने फीस माफ किए हैं। शमीम भाई, जिस तरह से आप लोगों की तरफ से कमेटी बनाई गई थी कहीं ना कहीं जो है फीस माफी को लेकर, तो अब तक जो है उस कमेटी ने जो अपना एजेंडा दिया था, तो कितने स्कूल हैं ऐसे कि जो उस एजेंडे को माने और फीस जो है माफ किए? इस्लामुद्दीन साहब, मैं प्रहार टाइम्स के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार डायमंड हॉल में एक मीटिंग ली गई थी जिसमें हमारे भाई शानू पठान, हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, संघर्ष की हमारी भाभी रूता अवार्ड साहबा, इस तरीके से शादाब खान सर, मनीष जोशी साहब एजुकेशन की तरफ से, इन सब की ये सब मौजूद इनकी मौजूदगी में डायमंड हॉल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें शहर के तमाम प्रिंसिपल्स और शहर के तमाम ट्रस्टी मौजूद थे, जिसमें यह हुआ था कि हम 2 दिन के बाद जो एजेंडा है उस पर गौर करेंगे और कमेटी को बताएंगे। तो हमारी ये जो कमेटी हम लोगों ने बनाई है, इस कमेटी के हमारे तमाम साथी हम लोगों ने परसों जा करके तकरीबन 15 स्कूलों का दौरा किया था और आज 4 स्कूलों का दौरा हम लोगों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुमरा कौसा ने हमेशा फराहदिली का काम किया है। मुमरा कौसा ने हमेशा हिंदुस्तान में वो मैसेज दिया है कि जिसको कहते हैं कि इतिहास में लिखा जाए। जिस तरीके से मुमरा कौसा में आज कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 0 के हिसाब से है, कभी 2, कभी 4, कभी 0, कभी 5। अल्लाह का एहसान है कि हमारे यहाँ के लोग समझदार हैं और अल्लाह का बड़ा करम भी है। इस तरीके से जो हमारी इस कमेटी के लोगों ने और हम लोगों ने और खास करके माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जो रिक्वेस्ट की थी तमाम 78 स्कूल कॉलेज के उन प्रिंसिपल ट्रस्टियों से, उसमें से 20 स्कूल के लोगों ने लब्बैक कहा है और हम सब की मांगों को उन्होंने पूरा किया है। मैं आपके माध्यम से तमाम पेरेंट्स की जानिब से, खास करके उनकी जानिब से जो बहुत परेशान थे इस्लामुद्दीन साहब, जो मुस्तहिक हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं था बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की फीस और कोई अदर चार्जेस ना लिया जाए, इसको लेकर के जो हमारा एजेंडा था उसको 20 स्कूलों ने अब तक एक्सेप्ट किया है, कबूल फरमाया है। उनका हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जानिब से, पूरे शहर की जानिब से, हमारी कमेटी की जानिब से, हम इन स्कूल कॉलेज के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं कि आपने वो काम किया है जो सराहनीय काम है। हम आपको बताना चाहेंगे स्कूल का नाम अल नादुल फलाह स्कूल, अल अमीन स्कूल, आइडियल इंग्लिश स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, दारुल रहमत ट्रस्ट, अब्दुल्ला पटेल, इनके जो ब्रांचेज हैं यानी शायद 2 से 3 स्कूल हैं, अब्दुल्ला पटेल भी है और इस तरीके का जो भी इनके हैं ट्रस्ट के अंदर, उनके वो हॉली प्रॉफिट स्कूल, रहनुमा इंग्लिश स्कूल, अल एहसान क्वीन मैरी हाई स्कूल,
विंसम फ्लोरा, एमएस क्रिएटिव स्कूल, माउंट मेरी स्कूल, हॉली क्रिसेंट स्कूल, मेस्को मेस्को स्कूल, हजरा स्कूल, न्यू इंडियन स्कूल, माइकल एरोन स्कूल, रोजरी हाई स्कूल, जीनियस इंग्लिश हाई स्कूल। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 स्कूल कॉलेज के लोगों ने मंजूरी दी है। इसमें मेस्को की तरफ से सब बातचीत फाइनल हुई है। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हम कोई अदर चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन जो 3 मंथ की फीस की बात है, आज हमारी मीटिंग थी वहां पे, जिसमें हमारे तमाम कमेटी के लोग मौजूद थे। वहां पे प्रिंसिपल वसी सर ने ये कहा है कि इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हमें एक्सेप्टेड है, लेकिन उनके तरफ से जो उनके ट्रस्टियान हैं मुंबई में बैठते हैं, उनका अप्रूवल नहीं आया है, इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और एक मिनट, और इसमें एक स्कूल है असदुल्ला खान सर का स्कूल, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक ही कहा है, लेकिन थोड़ा सा उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई कुछ चीज़ों को लेकर के। इंशाल्लाह ताला कल तक उनका भी कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने तो हमने जो बनाया है स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने 3 मंथ का, उससे कहीं और अच्छी पहल की बात उन्होंने की है। अल्लाह उन्हें जजाए खैर दे उनकी सोच को। ठीक है शमी भाई, जिस तरह से आपने 20 स्कूलों का नाम बताया है, तो क्या ये स्कूल जो है अपनी बातों पर खरा उतरेंगे? देखिए इस्लामुद्दीन साहब, इसी मुमराह ने उन स्कूल के प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बहुत प्यार दिया। ठीक है, आपके तरफ से सुनिए, बात सुनिए, आपके तरफ से ये जिन 20 स्कूलों का जिसमें आपने नाम बताया है, इन स्कूलों से अगर इन्होंने फीस माफ किया है वाकई में, तो जिस तरह से स्कूलों के तरफ से मैसेज पेरेंट्स को भेजा जाता था कि आप फीस जमा करें, तो जितने महीने का फीस माफ किए हैं, जो अदर चार्जेज है जिसे माफ किए हैं, तो इन स्कूलों के तरफ से पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहिए कि हमने आपकी फीस इतने महीने की माफ की है। ये बात क्या आप इन स्कूलों से कहेंगे कि अपने पेरेंट्स को जो है वो इस तरह का मैसेज भेजे, जब फीस लेने के लिए ये स्कूल मैसेज भेज सकते थे, तो जो फीस माफ किए हैं इसका भी मैसेज वो भेजे, ताकि पेरेंट्स को भी जानकारी हो कि हाँ। बहुत हमारी बात आपने कही है। देखिए, आप परसों हमारे साथ थे प्रहार टाइम्स, हुसैन भाई, ऐसे बहुत सारे हमारे पत्रकार भाई थे। आप लोगों के सामने बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के लोगों ने, प्रिंसिपल और ट्रस्टियों ने आपके मीडिया के माध्यम से ऐलान किया है। इस्लामुद्दीन साहब, एक बात ये हो गई, आपने कहा कि नहीं करेंगे या करेंगे, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं आपको। सेकंड बात यह है कि बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात आज भी हुई, सबने वादा किया है, और जब उन्होंने वादा किया है, शमी भाई हमारा कहने का मतलब ये है, सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो न्यूज बहुत कम ही देखते हैं, तो अगर उनके मोबाइल पर मैसेज जाता है तो उन्हें जानकारी ये मिल जाएगी। जो आपका एकदम सही बात है आपका कहना, तो न्यूज के माध्यम से तो बातें गई है उन तक, लेकिन इस्लामुद्दीन साहब, ये 20 के अंदर 10 से 12 स्कूल के लोगों के पेरेंट्स का हमें फोन आया, और लोगों ने कहा कि शमीम भाई, हमें मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का शुक्रिया अदा करना है कि बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की। तो अगर 12 से 13 स्कूल के पेरेंट्स का कॉल आया शुक्रिया अदा करने के लिए मंत्री जी का, तो मैं ये समझ सकता हूं कि ये मैसेज कहीं ना कहीं उन तक गया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर स्कूल मैसेज अगर भेजते हैं तो और अच्छी बात हो। हम आपके माध्यम से ये जो काउंटिंग के जो हमारे स्कूल कॉलेज के लोग हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि आपका जो एक स्कूल का जो एक ग्रुप होता है पेरेंट्स और आपके बीच में, आप ये मैसेज आपके माध्यम से, स्कूल के ट्रस्टी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक मैसेज उसमें डाल दें, जिससे उनको और भी अच्छा लगे और उन तक एक मैसेज जाए, ऐसा हम रिक्वेस्ट करते हैं स्कूल के ट्रस्टी और प्रिंसिपल से और टीचर से। और इंशाल्लाह ताला ऐसा जरूर होगा इस्लामुद्दीन साहब। और जो आपने कहा कि क्या ये होगा, इस्लामुद्दीन साहब, होगा नहीं, हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुमरा कौसा का वो नाम रोशन होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी है, कि ऐसा अब तक
कहीं पे नहीं हुआ है, किसी स्कूल कॉलेज के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ है कि प्राइवेट हो या जो भी स्कूल हो, उन्होंने अपने दिल से माफ किया इन चीजों को, अपनी खुशी रजामंदी से। हाँ, पहल किया है मंत्री जी ने, मंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन आज देखिए इस्लामुद्दीन साहब, मैं कहना चाहता हूं, मैं मेरे बच्चे की फीस माफ कराना नहीं चाहता, शानू पठान के बच्चों की भी फीस मैं माफ नहीं कराने का, मैं उनकी बात करता हूं जो परिवार मुस्तहिक है, जो परिवार ये फीस पे करने की कंडीशन में नहीं है, उनके लिए जो ये टीचर्स और स्कूल और जो प्रिंसिपल्स और जो ट्रस्टी लोगों ने ये एक अच्छा कदम उठाया है, मैं यही सब कहना चाहता हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं कैसे आपको धन्यवाद कहूं। दिल से दुआएं ही दे सकता हूं, और पेरेंट्स भी आपको दिल से दुआएं देंगे, दे रहे हैं आपको। अल्लाह ने चाहा, आज आपने 3 महीने का फीस कम किया है, आपने अदर चार्ज को खत्म किया है, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको और बरकत देगा आपके हर कारोबार में और आपके हर चीजों के अंदर। मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि आप सबको अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, और ये पेरेंट्स की दुआएं आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। थैंक यू। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुमरा कौसा में 20 स्कूल जो है ऐसे सामने आए हैं जो पेरेंट्स की मजबूरियों को समझा, हालांकि स्कूलों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि उनके पास भी काफ़ी जो है परेशानी है, क्योंकि टीचर को भी पेमेंट देना है, बिजली का बिल है, सुरक्षा गार्ड है, ऐसे तमाम परेशानियां उनके सामने भी थी जो उनके लिए भी खर्च का है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है इनके तरफ से जो पहल की गई उस पर उन्होंने विचार किया और 20 स्कूलों ने जो है 3 महीने की फीस माफ़ करने का फैसला लिया है और जो अदर चार्जेस हैं उसे भी माफ़ किया है। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।